नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से आ रही है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के सपटियाही वार्ड नंबर 6 में अवैध रूप से नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान सैकड़ों बोरी डुप्लीकेट खाद और खाद बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान नकली खाद का कारोबार करने वाले गोदाम के मालिक मौके से फरार हो गए। वहीं मौके से पुलिस ने दो मजदूर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दरअसल सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सपटियाही वार्ड नंबर 6 में खेती बाड़ी में उपयोग किए जाने वाले खादों का बड़े पैमाने पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने खाद गोदाम पर छापेमारी करते हुए इसकी जानकारी कृषि विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद शर्मा ने गोदाम पर रेड किया तो देखकर तंग रह गए। रेड के दौरान गोदाम में सैकड़ों बोरी डुप्लीकेट खाद और खाद तैयार करने वाले उपकरण को बरामद किया गया। फिलहाल कृषि विभाग और पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।